नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशल मोहन, अंतर्राष्ट्रीय विश्व मोहर परिषद मंडल मीडिया प्रभारी, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथियों, आज हमारे समाज में, युवा भाइयों में या मेल फीमेल जो भी सभी लोगों के बीच में कई समस्याएं हैं, काम को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से कैसे लड़ा जाए और कैसे पार पाया जाए, कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए, इन्हीं सब चीजों पे आज चर्चा मैं करता हूं आपके सामने। आप सुनिए और ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ ना आए तो बार बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मेरे पास कई सवाल आए कमेंट बॉक्स में कि जो दिक्कतें हैं वो इस तरह की हैं, जब भी किसी काम को करते हैं तो ना जाने क्यों कहते कि 10 चीजें या एक चीज, दो चीज, पांच चीज मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता। तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी को कि जीवन में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला स्तंभ आपका लिस्टिंग होना चाहिए। कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, अगर बिजनेस व्यवसाय करते हैं आप, अदरवाइज आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक स्तंभ जो है, सबसे बड़ा स्तंभ है वो लिस्टिंग। अगर आप लिस्टिंग करेंगे, अर्थात नाम नंबर मोबाइल नंबर आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी यादाश्त से गंदी लिखावट बढ़िया होती है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी आप कभी किसी से मिलते हैं तो उसका नाम और नंबर, एड्रेस और उसका कार्य क्या है, कहाँ रहता है, ये नोट करते रहिए, क्योंकि ये हमेशा भविष्य में काम आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा ये बात, आपके मन में एक विचार रहता होगा कि मेरा जिनसे काम है मुझे उन्हीं से संपर्क करना, जिनसे काम नहीं उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पानी चाहे जितना गंदा हो, पानी चाहे जितना गंदा हो, अगर आग प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक चीज और याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और बहुत ज्यादा निराश होकर के बैठ जाते हैं थक करके। तो मैं इन्हीं सब चीजों के लिए आपको बताना चाह रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा परेशान होते तो एक बात याद रखना चाहिए कि घायल हुआ हूं पर थका नहीं हूं, धीरे ही सही लेकिन चल रहा हूं, रुका नहीं हूं। और आप सबके जो एक सपने हैं वो, उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए आप सभी को, कि ख्वाब ऊंचे होने चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो, कोशिश उससे भी ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है लेकिन आपका दिमाग अभी भी कच्चा है। आप जिंदगी के खेल को समझ पाए इसके लिए तो अभी बच्चा है। जो लोग बहाने देते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओगे तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, कोई ताकत नहीं हरा सकती। कोई भी इंसान एक इच्छा से कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। अपनी परेशानियां सिर्फ भगवान के साथ शेयर करें, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट नहीं लेता है। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। जो अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं, जो अपनी मेहनत पे यकीन करते हैं वो देर से सही पर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सफल होना चाहते हैं तो आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मैं आप सबके बीच में एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं कि मिलके चलो तो मंजिल क्या हम इतिहास लिखेंगे। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। मेरे दोस्त, मेरी बात मान लो, हजारों करोड़ों की भीड़ में मजबूत बनके खड़े रहो लेकिन मजबूर नहीं। अपने काम का दिखावा करोगे तो लोग मूर्ख समझेंगे, और अपने काम को सीक्रेट तरीके से करोगे तो कामयाब हो जाओगे, लोग आइडियल समझेंगे। घड़ी को देखो मत मेरे साथियों, घड़ी को देखो मत,
बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। तुम चालाकी से कोई चाल चलो, जीतने का हुनर मुझमें आज भी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो, अपने समय को सही बनाना सीखो। तो साथियों, कुछ लाइनें थी आपके बीच में जो मैंने आज आप सबके बीच में प्रस्तुत की हैं। और आगे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता रहूं। और जो भी आप लोगों को दिक्कतें हैं, जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं, वो हमारे नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपको कोशिश पूरी रहेगी कि हर समस्या का समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।